नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात चीन के साथ LAC पर बने युद्ध के हालात की। सीमा पर पहुंचे नरवणे, चीन पाक के बुरे दिन आए। समंदर में भारतीय सीमा में क्यों घुसा चीन का जहाज? ठंड में डराने की चीन की चाल कैसी होगी फेल? देखिए LAC पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 वॉर जोन एट LAC में। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से ही चीन को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ ने कहा कि चीन LAC का सम्मान नहीं करता। चीन ने भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग में बाधा डाली, समझौते को तोड़ा, जिसकी वजह से पिछले दिनों पैंगोंग और गलवान में झड़पें हुई, क्योंकि चीन की हिमाकत का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ MM नरवणे गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। LOC पर जाकर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन से उपजे हालात को भांपा और सैन्य अधिकारियों को हालात से निपटने के निर्देश दिए। नरवणे ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। अपने इस दौरे में आर्मी चीफ LAC पर सैन्य अधिकारियों की समीक्षा भी करेंगे। इस बीच LAC पर PLA की घुसपैठ को लेकर भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन पैंगोंग समेत सभी जगह से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर गंभीरता से अमल करे, एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोई और कोशिश न करे। आपको बता दें कि 10 सितंबर को मॉस्को में ही दोनों विदेश मंत्रियों में भी इस बात पर सहमति बनी थी। उधर चीन ने एक बार फिर गलवान की सच्चाई को पलटने की कोशिश की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये तो माना है कि गलवान में उसके सैनिक और अधिकारी मारे गए, लेकिन ये भी दावा किया है कि भारत की तुलना में चीन के कम सैनिक मारे गए। अखबार ने भारत चीन की सैन्य तैयारी और हथियारों की तुलना में भी चीन के पलड़े को भारी बताया है। सर्दी को लेकर भारत की तैयारी अभी से ही पुख्ता है। भारत ने साउथ पैंगोंग की शीर्ष चोटियों पर ITBP के जवानों को तैनात कर दिया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही वहां उन्हें डटे रहने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। 29 अगस्त की रात ब्लैक टॉप हिल टॉप पर सेना और स्पेशल फ्रंटियर्स के साथ ITBP के पर्वत वीरों ने ही तिरंगा लहराया था, जो इस वक्त 17,000 फीट की ऊंची चोटियों पर डटे हैं। समंदर में भारत की तैयारी से चीन इस कदर बौखलाया है कि आए दिन अपने जासूसी जहाज के जरिए हमारी सेना पर नजर रखने लगा है। ताजा मामला पिछले महीने का है, जब एक चीनी जहाज भारतीय समुद्री सीमा में घुस आया था, लेकिन हमारे जलवीरों की मुस्तैदी के आगे ड्रैगन की एक न चली, उल्टे पांव भागना पड़ा। ये तस्वीर उसके सबूत है। गुरुवार को चीन ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया, जिसमें चीन सैनिक 4,500 मीटर की ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल करते नजर आए। PLA के तिब्बत कमांड के ये सैनिक मिसाइल के जरिए टारगेट को ध्वस्त करते दिख रहे हैं। चीन ऐसे वीडियो के जरिए भारत पर मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त लेना चाहता है। UN शांति सेना में शामिल चीनी सेना पर बनाई गई पहली फिल्म ट्रैवल ब्लू डिफेंसिव लाइन आज से चीन के सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है, जिसमें विश्व शांति के लिए PLA लड़ती दिख रही है, जो किसी अफ्रीकी देश में ऑपरेशन में जुटी है। दरअसल चीन दिखाना चाहता है कि वो विश्व शांति और दूसरे देशों के हितों के लिए भी काम करता है, जबकि इस वक्त चीन की विस्तारवादी नीति ने ही उसे दुनिया का दुश्मन बना दिया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 2,500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हैं। इनके जरिए लद्दाख में चीन और भारतीय जवानों के बीच हुई झड़प के बारे में गलत सूचनाएं बांटी जा रही हैं। दावा है कि अकाउंट पाकिस्तान, ब्रिटेन, हांगकांग, रूस और चीन से चलाया जा रहा है। अमेरिका ने एक दिन पहले ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आरोप में 5 चीन और 2 मलेशियन नागरिकों को पकड़ा है। पाकिस्तान को क्यों सता रहा है युद्ध का डर? इमरान के खिलाफ हुई बगावत तो रच डाली बहुत बड़ी साजिश। चीन के कर्ज तले कौन सा देश गुलाम होगा? चीन पाक की साजिश से जुड़ी हर खबर टॉप 9 चीन पाक साजिश में देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के रहने वाले लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने एक बार फिर POK को जम्मू कश्मीर में शामिल करने की मांग की है। अयूब ने कहा, POK में रहने वाले कश्मीरी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में कहा कि पाकिस्तान की सेना POK में महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। इस साल के अंत तक भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ये दावा पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व जनरल नदीम लोधी ने किया। लोधी ने कहा, तब तक भारत के पास S-400 मिसाइल प्रणाली आ जाएगा और फ्रांस से बाकी राफेल भी आ जाएंगे। उस वक्त अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा, तब भारत गिलगित और बाल्टिस्तान पर भी अटैक करेगा। इमरान खान ने अब गिलगित बाल्टिस्तान में भी नई चाल चली है। पाकिस्तान ने नया पैंतरा खोलते हुए फैसला किया कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा दिया जाएगा और चुनाव भी कराए जाएंगे। यह खुलासा इमरान के मंत्री अली अमीन ने किया है, जबकि मई में भारत ने कहा था कि गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम कर दी गई। पाकिस्तान समर्थित आतंकी एक बार फिर यहां पुलवामा जैसी घटना दोहराने के फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने करेबा इलाके में पानी की टंकी से 52 किलोग्राम विस्फोटक और 50 डेटोनेटर बरामद किया। FATF की काली सूची में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा चला है। इमरान सरकार ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जमात उद दावा और जैश ए मोहम्मद की कुल 964 संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई FATF की 17 सूत्री एक्शन प्लान के तहत किया है।
पाकिस्तान स्थित जमात उद दावा भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज तैयार करने के लिए नई साजिश रच रहा है। जमात उद दावा गेम ऐप के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि उन्हें जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ तैयार कर सके। जमात के मुखिया हाफिज सईद लोगों को धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार जारी है। शिया समुदाय के सैयद रजा हुसैन नकवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सैयद रजा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बैंक मैनेजर थे। अभी कुछ दिन पहले ही सिंध में एक हिंदू डॉक्टर की भी हत्या हो गई थी। पाकिस्तान में काफी वक्त से शिया और सुन्नी समुदाय एक दूसरे के खिलाफ है। चीन में कोरोना प्रकोप के 8 महीने बाद वहां की सरकार के खिलाफ उन लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया जिनके अपने इस वायरस के शिकार हो गए। वुहान के एक पेंशनभोगी झोंग हैनंग ने कहा कि सरकार की लापरवाही और उदासीनता की वजह से उनका बेटा फरवरी में मर गया। झोंग ने दावा किया कि शुरू में इस बीमारी को छिपाया गया जिससे उनके जैसे कई माता पिता को अपने बच्चों को खोना पड़ा। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर अपनी हड़प नीति को अंजाम देने वाला चीन अब भारत के अनन्य मित्र मालदीव को गुलाम बनाने की फिराक में है। खबरों के मुताबिक मालदीव चीन के कर्ज तले इतना दब गया है कि उसे अब डिफॉल्टर होने का डर सता रहा है। मालदीव पर चीन का $3 अरब से ज्यादा का कर्ज है, वो भी तब जब मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब $5 अरब की है। विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर खबर देखिए टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। भारत ने इसराइल, यूएई और बहरीन में हुए समझौते का स्वागत किया है। गुरुवार को भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थायित्व के लिए भारत हमेशा से तत्पर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि फलिस्तीन समस्या का समाधान निकालने में इस समझौते से मदद मिलेगी। सिंगापुर ने भारत और चीन के बीच बातचीत के विकल्प से इनकार किया है। दिल्ली में सिंगापुर के राजदूत वोंग वाई ने कहा कि इस बार ठंड लंबे समय तक रह सकती है, ऐसे में दोनों देशों के लिए गतिरोध को दूर करना आसान नहीं है, लिहाजा ठंड में युद्ध की आहट के बीच भारत और चीन को बातचीत के जरिए तनाव दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका से टकराव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से वफादारी की अपील की है। जिनपिंग ने कहा कि निजी क्षेत्र को सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। दरअसल चीन इन कंपनियों के जरिए अमेरिका और अन्य देशों में अपने जासूसी के जाल को फैलाता है। खासकर अमेरिका ने इन दिनों चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसा है। एशिया महाद्वीप में चौतरफा घिर रहा चीन अब बैकफुट पर आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सेंट्रल एशिया के देशों खासकर रूस मंगोलिया से समर्थन की अपील की है। चीन का यह कदम अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के उस बयान के बाद आया जिसमें एस्पर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो जैसा संगठन बनाने की बात कही थी। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच के ताइवान दौरे से चीन इतना बौखला गया है कि उसने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका ताइवान में दखल देना बंद करे, राजनयिक दौरे रोके, वरना चीन के जवाब के लिए तैयार रहे। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी क्रेच इन दिनों ताइवान दौरे पर हैं। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियारों की संख्या को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल जॉन हाइटन ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के पास बहुत कम संख्या में परमाणु हथियार है। हालांकि हाइटन ने उसकी संख्या नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि नॉर्थ कोरिया इसी हथियार की बदौलत पूरी दुनिया और अमेरिका को गीदड़ भभकी देता रहता है। चीन वीडियो के जरिए अपनी सैन्य ताकत का झूठा प्रचार जारी रखे हुए है। पीएलए ने अपनी पैराट्रूपर्स कमांड के 70 साल पूरे होने पर नया वीडियो लॉन्च किया है जिसमें चीनी सैनिक हजारों फीट की ऊंचाई से पैरा जंप करते दिख रहे हैं। इन्हें मुश्किल हालातों में जंग लड़ते और रसद पहुंचाते दिखाया गया है। थाईलैंड ने चीन को दोहरा झटका दिया है। थाईलैंड ने चीन के साथ क्रा कैनल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, साथ ही $724 मिलियन के सबमरीन डील को भी रोक दिया है। चीन का इरादा क्रा कैनल प्रोजेक्ट के जरिए मलक्का जलसंधि तक सीधा रास्ता बनाना था ताकि हिंद महासागर में चौकसी बढ़ाई जा सके। वहीं भारतीय नौसेना ने मलक्का के पास अपने फ्रंट लाइन युद्धक जहाज तैनात किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक पूर्व मॉडल ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। एमी डोरिस ने कहा कि 23 साल पहले ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दौरान ट्रंप ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों का खंडन किया है। ट्रंप के वकीलों ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप की छवि खराब करने की यह साजिश है। इधर किसानों से जुड़े नए कृषि बिल के लोकसभा में पास होने के बाद एनडीए में भी दरार पड़ गई है। केंद्र सरकार में अकाली दल से इकलौती मंत्री हरसिमरत कौर ने कृषि बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृषि विधेयक के विरोध में पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पर है। 25 सितम्बर को किसानों ने पंजाब बंद बुलाया है। नए विधेयक से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 किसानों पर संग्राम।
कृषि से जुड़े तीन बिल के विरोध में एनडीए सरकार में शामिल अकाली दल के कोटे से बनी खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा, पिछले कई दिनों से किसान बहुत परेशान है, हमारी कोशिशों के बाद भी सरकार ने सड़कों पर उतरे किसानों की नहीं सुनी तो हमने इस्तीफा दे दिया। अकाली दल किसानों और मजदूरों की पार्टी है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि किसानों के खिलाफ कृषि बिल को हमारे विरोध के बावजूद सरकार लाई। सरकार के सामने हम किसानों की बात पिछले दो महीने से रख रहे थे। हम उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं जो किसानों के खिलाफ है। एनडीए में बने रहने के सवाल पर कहा कि पार्टी के फोरम में आगे की रणनीति तय होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच कल किसानों से जुड़े कृषि बिल, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक के साथ कृषक विधेयक, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार को पास कर दिया गया। बिल के विरोध में वोटिंग से पहले कांग्रेस, लेफ्ट और डीएमके ने वॉकआउट किया। बिल का विरोध मोदी सरकार में शामिल अकाली दल ने भी किया। लोकसभा से पास हो जाने के बाद अब बिल राज्यसभा में भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों का पास होना किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। विपक्ष और सहयोगी अकाली दल के विरोध पर कहा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अकाली दल के विरोध के दबाव में नहीं है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। पीएम मोदी ने नए कृषि विधेयक को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इससे सही मायनों में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे। लोकसभा में कृषि बिल पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अध्यादेश को किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोलने वाला बताया। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने लोकसभा में कृषि विधेयक का कड़ा विरोध किया। भगवंत मान ने कहा, किसानों का हितैषी बताने वाले अकाली दल एक मंत्री पद को छोड़ने को कुर्बानी बताकर झूठे आंसू दिखा रही है। अकाली दल पंजाब में कई बार इस बिल को किसानों के लिए फायदेमंद बता चुकी है, जबकि ये बिल मुनाफाखोरों के फायदे के लिए है। हरसिमरत कौर के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने नौटंकी करार दिया। कृषि बिलों पर केंद्र सरकार की तरफ से अकालियों के मुंह पर तमाचा मारने के बावजूद अकाली दल ने अभी तक सरकार से संगठन का नाता नहीं तोड़ा। अमरिंदर ने कहा कि अगर अकाली किसानों के सच्चे हितैषी होते तो वो पहले ही सरकार से अलग हो सकती थी। अब बहुत देर हो चुकी है। कृषि से जुड़े लोकसभा से पास हुए बिल में वन नेशन वन मार्केट की तरह किसानों की उपज को देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। इसके जरिए बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। किसानों की उपज की ऑनलाइन खरीद फरोख्त भी की जा सकेगी। निजी क्षेत्र से भी कृषि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कृषि से जुड़े तीन बिल का देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा में पिछले दो महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। नए कृषि बिल को लेकर किसानों के मन में मंडी व्यवस्था खत्म होने से नुकसान का डर है। इसके साथ ही किसानों को कहना है कि इससे निजी कारोबारियों या बाहरी कंपनियों की मनमानी बढ़ जाएगी। और अब राष्ट्र की बड़ी खबरें देखते हैं। पीएम मोदी आज बिहार का 86 साल पुराना कौन सा सपना करेंगे साकार। बिहार की जनता को काम का लेखा जोखा देगी बीजेपी। कोरोना काल में पीएम मोदी के 5 मंत्र क्या हैं? कमांड व्हीकल से आतंकियों को बचना कैसे नामुमकिन हो जाएगा? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी आज बिहार में 516 करोड़ रुपए की लागत से बने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। 1934 में कोसी में आई भारी बाढ़ और भूकंप से ये पुल तबाह हो गया था। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी नदी पर रेलवे पुल की नींव रखी थी, जिसका 17 साल बाद आज उद्घाटन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 12 रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी बिहार में 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम जनता को बताएगी। पीएम मोदी अब तक बिहार में 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुकी हैं। पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन कल पूरे देश में मनाया गया। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का शुक्रिया जताते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जन्मदिन पर वो क्या खास चाहते हैं। इस पर उन्होंने लिखा कि सही तरीके से मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और अपनी दुनिया को स्वस्थ बनाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए पुलिस को कमांड व्हीकल मिल चुकी है। कमांड व्हीकल में 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो 3 किलोमीटर तक छिपे आतंकियों की हर हरकत को पकड़ने में सक्षम है। कमांड व्हीकल के टायर में गोली लगने के बाद भी ये 60 किलोमीटर तक चल सकते हैं। 4 से 5 जवान गाड़ी के अंदर से ऑपरेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने रेवाड़ी से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के कर्मचारी महेश कुमार को पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। एक पाकिस्तानी लड़की ने महेश कुमार को फेसबुक के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया, जिसके बाद आरोपी सेना की सीक्रेट सूचनाएं पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को लीक करने लगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। नया टर्मिनल निजी चार्टर्ड विमानों से उड़ान भरने वालों के लिए बनाया गया है। इस टर्मिनल से 150 प्राइवेट जेट रोज उड़ान भर सकेंगे। जनरल टर्मिनल में 57 पार्किंग बे है। प्राइवेट जेट का संचालन जनरल एविएशन के तहत होता है।
चीन के शहर पर जम्मू कश्मीर के एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा पाकिस्तान ने कल भी पुंछ जिले के बालाकोट इलाके में गोलीबारी की। इसके अलावा पाकिस्तान ने मनकोट सेक्टर में भी शाम 7 बजे मोर्टार दागे। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने एलओसी पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। भारत में पिछले 24 घंटे में 96,792 कोरोना के नए केस सामने आए। लगभग 1,175 लोगों की मौत हो गई। 87,000 से ज्यादा लोग एक दिन में ठीक होकर घर भी लौटे हैं। 10,17,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों की देश में मौत हो चुकी है। इस बीच दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,03,00,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना काल के बीच स्टेडियम में बिना दर्शकों के यूएई में आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज कल से होने वाला है। 10 नवंबर तक चलने वाले आईपीएल के मुकाबले दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। ओपनिंग मैच कल अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस बार आईपीएल में TV9 भारतवर्ष राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा है। कंगना रनौत और अनुराग कश्यप में किस बात पर हुआ ट्विटर वॉर? शोविक ने ड्रग तस्कर से क्यों कहा कली कली लाना? दिल्ली के अस्पताल में कोविड संक्रमित बच्चों के लिए बना मनोरंजन वार्ड। मुंबई में कोरोना रोकने के लिए लगी धारा 144। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर देखिए Top 9 मुंबई दिल्ली में। कंगना की ट्वीट हो रही, ट्वीट करते हुए अनुराग कश्यप ने तंज कसते हुए लिखा कि तू ही इकलौती मणिकर्णिका है, चली जा चीन पर चढ़ाई कर दे। इसके जवाब में कंगना रनौत ने कहा कि मैं बॉर्डर पर जाऊंगी, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मेडल चाहिए। ये सब कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। सुशांत सिंह ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक और ड्रग्स डीलर अनुज केशवानी की व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें अनुज केशवानी शौविक गांजे की फोटो भेजा है और दोनों ड्रग्स की डिलीवरी को लेकर बात कर रहे हैं। शौविक कह रहा है कि पिछली बार आया माल सही नहीं था, इस बार अच्छा माल भेजना। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और अब्दुल बासित की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं NDPS कोर्ट ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार क्रिस कोस्टा और सूर्यदीप मेहरोत्रा को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली दंगे की आरोपी JNU छात्रा नताशा नरवाल को 30,000 के निजी मुचलके पर करकरडुमा कोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि नताशा नरवाल को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वो UAPA मामले में भी आरोपी हैं। वहीं दिल्ली दंगा मामले में स्पेशल सेल द्वारा दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 सितंबर को पेश होने का समन जारी किया है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में बच्चों के लिए खेलने, झूला झूलने, TV देखने की सुविधा है, जिससे बच्चे खुद को अकेला न महसूस करें। वार्ड में रंग बिरंगी पेंटिंग भी लगाई गई है, साथ ही कई प्रकार के खिलौने भी यहां रखे गए हैं, जिससे बच्चे परिवार से अलग होने के बाद अकेला महसूस न करें। दिल्ली में कल पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर कई जगह पकौड़े तलते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी ने सत्ता में आने से पहले हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं बल्कि लोगों का रोजगार छीन लिया। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर तक शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगर 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित होते दिखे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में अब तक 1,78,385 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें 32,959 एक्टिव केस हैं। मुंबई में अब तक कोरोना से 8,323 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में जूलर्स की सूझबूझ से लुटेरों को उल्टे पैर भागना पड़ा। कल रात 9 बजे बाइक सवार बदमाश आधी रात जूलर्स में घुसे और चाकू निकालकर जूले लूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन जूलर्स ने चालाकी से दुकान के बाहर प्लास्टिक फेंक कर चिल्लाया, जिससे बदमाशों को लगा कि कोई बाहर से आ रहा है और डर कर बदमाश जान बचाकर भाग गए। CBI ने एंटीवायरस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली 6 कंपनियों के दिल्ली समेत 4 शहरों के दफ्तरों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए हैं। ये कंपनियां लोगों के कंप्यूटर में पॉपअप संदेश के रूप में सुरक्षा संबंधी फर्जी चेतावनी भेजती थीं और ग्राहकों से PUP सक्रिय करने के लिए, भुगतान करने या सहायता करने के लिए एक नंबर पर कॉल करने को कहा जाता था। बिहार में कहा उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया पुल। यूपी में घुसपैठियों को रखने के लिए कहां बनाया गया डिटेंशन सेंटर। अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज पर भी पड़ा पीला पंजा। हरियाणा में IAS ऑफिसर के काफिले पर ट्रक ड्राइवर्स ने क्यों किया हमला। देश भर की बाकी अन्य खबरें देखिए Top 9 अन्य राज्य। बिहार के किशनगंज में एक और पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। गुआबाड़ी गांव में 1,42,00,000 की लागत से बनने वाले निर्माणाधीन गुआबाड़ी पुल नदी में धराशायी हो गया। तय वक्त से पहले इस पुल के उद्घाटन का इंतजार कर रहे गांव के लोग पुल के निर्माण में खराब क्वालिटी की सामान लगाने के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने से समन जारी हुआ है। संजय सिंह पर जातिगत सर्वे कराने पर केस दर्ज किया गया था। उन पर दर्ज केस में राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। संजय सिंह को 20 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा गया है। यूपी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने के लिए गाजियाबाद के नंदग्राम में यूपी का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर बनाया गया। डिटेंशन सेंटर में 3 बड़े हॉल बनाए गए हैं जिसमें 100 लोगों के रहने की क्षमता है। अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों को रखने के लिए जेल बनाई जाती है, इसे डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज को पुलिस ने बुलडोजर से ढहा दिया। अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर बना था कोल्ड स्टोरेज, जिसको पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अब तक अतीक अहमद की 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क सीलिंग और ध्वस्त की जा चुकी है। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है अतीक अहमद। हरियाणा के अम्बाला में ट्रांसपोर्ट गिरोह के अवैध खनन का पर्दाफाश करने वाली आईएएस अधिकारी प्रीति और उनकी टीम को घेर कर ट्रक चालकों ने पथराव कर दिया। हमले में प्रीति तो बाल बाल बच गई, पर उनके ड्राइवर और साथ में चल रहे स्टाफ को गहरी चोटें आई हैं। प्रीति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की पुलिस ने 12 लाख के इनामी नक्सल बादल मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। नक्सलियों और पुलिस के बीच बालाघाट के बांधा टोला के जंगल में मुठभेड़ के बाद बादल मरकाम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर याद से पहुंचे युवक के पास से कस्टम विभाग ने 4 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपी रियाद से सेलो टेप में सोने के 33 बिस्किट अपने शरीर में चिपका कर लाया था। शक होने पर कस्टम विभाग ने चेकिंग के बाद आरोपी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दादरी बाईपास के पास मोबाइल के स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। धुआं फैलने से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में फर्नीचर की दुकानों में लगी भीषण आग में कई दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। आग में लाखों का फर्नीचर स्वाहा हो गया। एक दुकान से फैली आग ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां सुबह तक लगी रही। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी